गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस विंटर सीजन. प्लीज वेयर योर स्वेटर्स एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कैचिंग कोल्ड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. आज हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है, आप इसे क्या समझते हो? सो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू अ वेज, ट्रांसपोर्ट एक वे है जिनसे हम एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या फिर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके पहुंचाते हैं. ठीक है, तो द वे ऑफ कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लैंड, एयर और वाटर इज नोन एज योर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पहले के टाइम में लोग एनिमल्स या फिर बुलक कार्ट्स वगैरह यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गई है, जैसे जैसे समय में बदलाव आ गया है, नाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड, हैज ऑल्सो बीन चेंज्ड. ठीक है, अब हम क्या यूज करते हैं, अब हम बसेस यूज करते हैं, अपनी पर्सनल कार्स यूज करते हैं या फिर रेलवेज यूज करते हैं, प्लेन्स यूज करते हैं या फिर शिप यूज करते हैं, है ना, फॉर द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग या फिर सेंडिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ देर आर फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट वे इज रोडवे, सेकेंड वे रेलवेज, थर्ड इज वाटरवेज एंड फोर्थ वन इज योर एयरवेज. इन चार तरीकों से आप ट्रैवल कर सकते हो, रोड के थ्रू, रेलवेज के थ्रू या फिर वाटर्स के थ्रू या फिर आप एयरवेज के थ्रू. वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अगेन रोडवेज के थ्रू अगर आप ट्रैवल करते हो, देन यू विल ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ योर बाइसिकल, विद द हेल्प ऑफ योर ओन पर्सनल व्हीकल्स और विद द हेल्प ऑफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड ऑल. एंड अगर आप रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करते हो, देन विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स और द नॉर्मल ट्रेन्स. अगर आप वाटरवेज के थ्रू ट्रैवल करते हो, देन यू विल बी ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ शिप्स, बोट्स एंड ऑल. एंड इफ यू ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ एयरवेज, देन यू कैन ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ योर एरोप्लेन्स. ओके, नाउ द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रैवलिंग मच ईजियर. पहले के टाइम में जब लोग ट्रैवल करते थे तो वो एनिमल्स पे या फिर बल्क कार्ट्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता था. बट अब जो ट्रैवलिंग में इतना चेंजेस आ गया, डेवलपमेंट आ गई है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग क्या हो गया, बहुत ही ईजियर हो गया है और बहुत ही फास्टर भी हो गया है. ठीक है, अब हम कहीं भी पहुंचते हैं तो बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेवलप्ड ट्रैवलिंग वेज. नाउ आर ट्रैवलिंग डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, कॉस्ट एंड साइज ऑफ द थिंग्स दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड. हमारा जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है या फिर हमारा जो ये कहते हैं ट्रैवलिंग है, वो हमारे कॉस्ट पर डिपेंड करता है. सबसे पहले डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, फिर कॉस्ट पर डिपेंड करता है, और फिर अगर आपको कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो उनके वेट पर डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली. फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान को बहुत ही छोटे से जगह पे जाना है, फॉर एग्जांपल आपको अपने घर से स्कूल आना है, ठीक है, और आपके घर से जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो व्हाट विल यू यूज, और यू विल यूज ऑटो रिक्शा और यू विल यूज योर ओन बाइसिकल. ठीक है, एंड आप रोडवेज के रोड के थ्रू आएंगे और आप अपने पर्सनल मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग को यूज करेंगे. बट इफ यू हैव टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, अगर आपको यहाँ से डाल्टनगंज से रांची जानी है, देन यू विल यूज अ बस और यू विल यूज अ ट्रेन. अगर सॉरी रांची से भी बहुत दूर जगह जानी, लाइक फॉर यू हैव टू ट्रैवल टू फ्रॉम डाल्टनगंज टू दिल्ली, देन यू विल टेक अ ट्रेन. ओके, नाउ अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, ठीक है, या फिर विद इन इंडिया ही, विद इन कंट्री ही जाना है बट बहुत इमरजेंसी है, देन व्हाट विल यू चूज, यू विल चूज एयरवेज, बिकॉज एयरवेज क्या है, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग है आपका, प्लेन्स एंड ऑल. तो आप उसको क्या चूज करोगे वहां जाने के लिए, फिर आप प्लेन चूज करोगे, एयरवेज चूज करोगे. ठीक है, अगर आपको और भी फार प्लेसेस पे जाने तो आप फॉर एग्जांपल आउट ऑफ कंट्री जाना है, देन यू कैन यूज वाटर वेज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ शिप्स, ऑल्सो यू कैन गो टू द अदर कंट्रीज. I hope you might have understood this. Now let's see, अब इन जो फोर वेज हैं इनको हम ब्रॉडली समझेंगे, लाइक रोडवेज. रोड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. न्यू एंड बेटर रोड्स आर बिल्ट एवरी ईयर. रोड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन मटेरियल यूज इन मेकिंग दैम. अब रोडवेज है, मैंने पहले ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है रोडवेज के बारे में आप लोगों को. तो रोडवेज क्या है, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है,
क्यों इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि ना रोड्स से हम बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर ट्रेन्स नहीं होती हैं या फिर कहीं पर प्लेन्स की, जैसे कि हमारे ये में देख लो, सिटी में देख लो, डाल्टनगंज सिटी में प्लेन की वो नहीं है ना, एयरपोर्ट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम प्लेन यूज़ नहीं कर सकते, प्लेन के हेल्प से कहीं नहीं जा सकते, उसके लिए हम लोगों को पहले रांची जाना होगा क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट्स है। तो हम यहाँ पे जनरली बेसिकली क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? रोडवेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रोड्स जो है, कहीं रेलवेज हो या प्लेन्स हो या शिप की सुविधा हो या ना हो, पर रोड की सुविधा हर जगह आपको उपलब्ध होती है। तो रोडवेज क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि रोडवेज दो टाइप्स के होते हैं और उनका जो ये टाइप है डिपेंड करता है मटेरियल कि रोड को बनाने में क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट है आपका मेटल रोड्स, दैट इज़ योर पक्का रोड्स, जो रोड्स आपके ये सीमेंट और टार से बने होते हैं। टार मतलब अलकतरा, जो ब्लैक कलर का आप देखोगे ना, कभी रोड बनता है तो उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का एक लिक्विड गिराया जाता है, उसको हम अलकतरा भी बोलते हैं हिंदी में, तो दैट इज़ योर टार। तो जो सीमेंट और टार से बनते हैं उनको हम पक्का रोड्स बोलते हैं या फिर मेटल रोड्स बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, उस पर कितनी भी बड़ी गाड़ियाँ आप क्रॉस करा दो, कितनी भी बारिश हो जाए, वो रोड्स बहते नहीं हैं। सेकेंड है आपका अनमेटल रोड्स, दैट इज़ कच्चा रोड, जैसे कि गाँव गाँव के में होते हैं ना मिट्टी के जो रोड्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी की सड़कें बनाई गई होती हैं, तो वो आपके अनमेटल्ड या फिर कच्चे रोड्स होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं कि मजबूत नहीं होती हैं, उन पे बहुत हैवी व्हीकल्स नहीं पार कर पाते हैं, या फिर बारिश के टाइम में क्या होता है कि वो जो रोड्स हैं बिल्कुल ही बह जाते हैं बारिश के पानी के साथ, ख़राब हो जाते हैं। दैट्स वाई दैट इज़ योर कच्चा रोड एंड और यू कैन से इट अनमेटल्ड रोड्स। नाउ इन आर कंट्री वी हैव लॉन्ग रोड्स कॉल्ड हाईवेज, हमारे कंट्री में बहुत ही लॉन्ग रोड्स हैं जिनको हम हाईवेज बोलते हैं, ठीक है। हाईवेज आप सब ने देखा होगा। नाउ हाईवेज कनेक्ट्स सिटीज़ टू टाउन्स, हाईवेज क्या करते हैं, एक सिटी को टाउन से कनेक्ट करते हैं। तो हाईवेज भी ना दो तरह के होते हैं, एक नेशनल हाईवे होता है और एक स्टेट हाईवे होता है। नेशनल हाईवे जो आपके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स को कनेक्ट करता है ऑल ओवर द कंट्री, मतलब ऑल ओवर नेशन, ठीक है, तो उनको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। एंड स्टेट हाईवेज उन हाईवेज को बोलते हैं जो लिंक करते हैं टाउन्स एंड सिटीज़ विद इन स्टेट, जो स्टेट के अंदर में ही जो टाउन्स एंड सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं उनको हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं। और ऐसे हाईवेज जो पूरे नेशन के अंडर में आपके इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं नेशनल हाईवेज। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास में भी एक्सप्लेन की है। नाउ All these roads have numbers. They are used by people of traveling and transporting of goods. One of the oldest highway is the Grand Trunk Road built by Sher Shah Suri in 16th century. सबसे important highway, सबसे oldest highway क्या है, कौन सा है? That is a GT road, जिसको हम GT road बोलते हैं या फिर Grand Trunk Road बोलते हैं। तो ये Grand Trunk Road ना Sher Shah Suri पहले के time में एक emperor हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था 16th century में, ठीक है। और ये जो हाईवे है आपका जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड हाईवे जो है, ये कनेक्ट करता है पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, पेशावर एक प्लेस का नाम है, टू सोनार गांव इन बांग्लादेश। नाउ दिस रोड रन्स थ्रू नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, ये जो रोड्स है इंडिया के नॉर्दर्न से लेके ईस्टर्न पार्ट तक जाता है और बीच में जो सेंट्रल पार्ट्स आते हैं वहाँ तक जाते हैं ये, ठीक है। तो ये कनेक्ट करते हैं कौन कौन से प्लेसेस को, दिल्ली को, औरंगाबाद को और हावड़ा को, ये तीन प्लेसेस को ये जो रोड है हाईवे कनेक्ट करता है। कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी हाईवे, ओके। नाउ इन माउंटेनियस रीजन टनल्स आर डग थ्रू हिल्स टू मेक रोड्स एंड ड्यूरिंग विंटर स्नो हैज़ टू बी क्लियर्ड रेगुलरली टू मेक द रोड्स यूजेबल टू कनेक्ट टू रिवर बैंक्स ब्रिजेस हैव टू बी बिल्ड फर्स्ट एंड देन रोड्स आर बिल्ड ओवर द ब्रिजेस। रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज मेनी आइटम्स दैट वी नीड सच एज फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड बाई रोड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। तो देखो, हम लोगों को अगर किसी माउंटेन पे, किसी माउंटेनियस रीजन के को मतलब वहाँ से क्रॉस करके कोई रास्ता बनाना है तो पहले क्या होता है, पहाड़ को काटा जाता है, माउंटेन्स को कट किया जाता है, फिर वहाँ पे टनल्स बनाए जाते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, फिर वहाँ पे टनल्स बनाए जाते हैं और फिर उन टनल्स के नीचे से रोड्स बनाए जाते हैं ताकि ईजिली आप ट्रैवल कर सको, क्रॉस कर सको उन माउंटेन्स को, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपको वाटर के थ्रू क्रॉस करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले क्या होता है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं जो कि दो रिवर्स को कनेक्ट करें,
ठीक है। अब उन ब्रिजेस के ऊपर, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, उन ब्रिजेस के ऊपर फिर रोड्स बनाए जाते हैं सो दैट लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें। नाउ रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड, बिकॉज छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, फूड ग्रेन्स एंड ऑल, वो भी एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ रोडवेज ही ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्रेन या फिर प्लेन्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं होती। देखते हो ना कि जब आपको बहुत सारे धान चावल जब ग्रो होते हैं उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह, एक टाउन से दूसरे टाउन या फिर वन सिटी टू अनदर सिटी यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट, तो क्या लोग यूज़ करते हैं? बड़े बड़े लॉरी ट्रक्स यूज़ करते हैं, है ना। या फिर छोटा सा एग्जांपल देख लो, आपके मार्केट में जो रोज वेंडर्स आते हैं या वेजिटेबल सेलर्स को हम वेंडर्स बोलते हैं, जो वेंडर्स आते हैं या फिर जो फल बेचने वाले आते हैं, वो क्या होते हैं? रोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने विलेज से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो लेके आते हैं, तो किसके थ्रू आते हैं? वो रेलवेज के थ्रू तो नहीं आते, हाँ छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट्स लाइक सब्जी वगैरह हो गया वो लेके, तो छोटी सी जगहों पे आना होता है तो वो क्या होता है? खुद के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही आते हैं, मतलब रोड के थ्रू ही आते हैं। तो ये रोडवेज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आई होप रोडवेज आप लोग समझ गए होंगे, बिकॉज मैंने बहुत सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए। नाउ सी द रेलवेज, रेलवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मीन्स टू ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड। नाउ सी द रेलवेज, रेलवेज क्या है? ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड। अगर आपको कहीं बहुत दूर से जगहों पे जाना है तो क्या होता है ना कि बसेस या फिर आप खुद के व्हीकल से जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल जो है बहुत बढ़ गई है, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा एक्सपेंस होंगे। बट रेलवेज के टिकट्स जो है बहुत ही सस्ते होते हैं, चीपेस्ट मीन्स है, तो आप इनके थ्रू ओवर लॉन्ग, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट आप इनके थ्रू ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कहीं जाना है तो आप इजीली जा सकते हो। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया, सबसे पहले हमारे कंट्री में इंडिया में किन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया था, रेलवेज की ये जो सुविधा है किन्होंने लाई थी? ब्रिटिश लेके आए थे, ठीक है। तो द फर्स्ट ट्रेन रैन इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने, तो हमारे कंट्री का जो सबसे पहला जो ट्रेन जो चला वो कब चला था? 1853 में, ठीक है। और किस से किन जगहों के बीच के लिए चला था? वो मुंबई से थाने, एक जगह का नाम है, तो मुंबई भी आप सब जानते हो, मुंबई से थाने जाने के लिए ये ट्रेन की सुविधा ब्रिटिश के थ्रू शुरू कराई गई थी। नाउ अर्लियर स्टेम इंजन्स वर यूज टू पुल द ट्रेन्स, नाउ डेज ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन जर्नी हैव बिकम मच फास्टर एंड मोर कम्फर्टेबल। देर आर टू काइंड ऑफ ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गुड्स ट्रेन कैरी गुड्स सच एज कोल, कैटल, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो सी वॉट हैपन्स, रेलवेज भी क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए। तो सबसे पहले ब्रिटिश ने हमारे कंट्री में रेलवेज इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1853 में, और किन जगहों पर जाने के लिए? मुंबई से थाने जाने के लिए। तो पहले के टाइम में जो ट्रेन होता था वो वहाँ स्टेम इंजन्स होते थे उन ट्रेन में, ठीक है, जो ट्रेन जो थे वो स्टेम मतलब भाप से चलते थे, तो उनमें या फिर कोयले से चलते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए, और अब जो ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और वो अब बहुत ही ज़्यादा फास्टर और कंफर्टेबल भी हो गए। देखे हो ना, एसी ट्रेन्स होते हैं या फिर लोकल ट्रेन्स होते हैं, तो बहुत तरह के मेट्रो ट्रेन्स हैं, तो ये बहुत तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं और बहुत ही ये कम्फर्टेबल हो गए और easier and faster means of transport हो गए पहले की trains के comparison में, ये faster है, ठीक है। Airways के comparison में ये faster means of transport नहीं है, faster means of travel नहीं है। पहले जो trains चलती थी जो stems पे या फिर कोयले पे चलती थी उनका speed बहुत ही slow था, but उन trains के comparison में अब के जो trains जो electricity पे चलते हैं उनकी speed बहुत ही ज़्यादा है और वो अब बहुत ही comfortable हो गए। नाउ सी ट्रेन्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन्स जिसमें कि पीपल ट्रैवल करते हैं और एक गुड्स ट्रेन होता है जिसमें कि चीज़ें गुड्स ट्रैवल होती हैं। तो पैसेंजर ट्रेन्स हम किसको कहते हैं? जिनमें लोग, जो ट्रेन लोगों को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, पैसेंजर्स को कैरी करता है, उनको हम पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं। और जो ट्रेन सामान, किसी भी चीज़ को, वस्तुओं को लाइक गुड्स को, लाइक हो गया आपका कोल, कैटल्स, फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको हम गुड्स ट्रेन बोलते हैं।
In big cities such as Mumbai and Kolkata, people use railways to travel to the city nearby areas for work every day. Delhi and Kolkata have the metro, a system underground and overground trains. तो दिल्ली या फिर कोलकाता जैसी जो जगह है, मुंबई जैसी जो जगह है, वहाँ पे लोग क्या यूज़ करते हैं? मेट्रो ट्रेन्स का यूज़ करते हैं. आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा ना, मेट्रो ट्रेन्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, स्पेशली क्या का मतलब अपने ऑफिस जाने के लिए या फिर दूसरे प्लेसेस पे जाने के लिए, क्योंकि इनकी जो टिकट्स होती है मतलब जो होती है ये बहुत सस्ते होते हैं. ठीक है, बाय द रोड मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, रोड से टैक्सी से या फिर वो जो अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो वो उनको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, इसलिए वो मेट्रो से जाते हैं क्योंकि इनको चीपेस्ट भी होता है, सस्ता भी होता है और ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच भी जाते हैं और ये कम्फर्टेबल भी होता है. तो मेट्रो क्या है? अ सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड ट्रेन्स, ऐसे ट्रेन्स जो रोड के अंडर से या फिर रोड के ऊपर से होके जाते हैं उनको हम मेट्रो ट्रेन्स बोलते हैं. नाउ कम टू द वाटरवेज. वाटरवेज क्या है? वाटर बॉडीज ओवर विच बोट्स कैन ट्रैवल सच एज सीज, रिवर्स, लेक्स, कनाल्स एंड बैक वाटर्स आर कॉल्ड वाटरवेज. ऐसे वाटर बॉडीज मतलब पानियों के ऊपर जब कोई आपके बोट्स या फिर शिप्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उनको हम वाटरवेज बोलते हैं. शिप, बोट्स, याचेस एंड कैनोज आर मीन्स ऑफ ट्रैवल ओवर द वाटरवेज. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक शिप्स, बोट्स, याचेस एंड कैनोइज आर द मीन्स ऑफ ट्रैवल. मतलब पानी के ऊपर से अगर आपको ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. ठीक है, शिप की मदद से, बोट्स की मदद से या फिर याचेस की मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह बाय द मीन्स ऑफ वाटर, वाटर के थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल कर सकते हो. शिप कैरी नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर. शिप्स जो होती हैं वो सिर्फ लोगों को ही कैरी नहीं करती है. टाइटैनिक देखा है मूवी आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है, वो शिप्स में लोग भी रहते हैं, लेकिन ऐसे आपने कोई और भी मूवीज देखी होंगी या टीवी पे देखा होगा कि शिप्स पे या बोट्स पे बहुत सारे गुड्स मतलब बहुत सारी सामानें भी ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, मैंने जो आइलैंड्स वाले चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को उसमें मैंने पोर्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि वन पोर्ट से अनदर पोर्ट तक ट्रैवल होते हैं गुड्स विद द हेल्प ऑफ शिप्स. मुंबई, कांडला, कोलकाता एंड चेन्नई आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया. मुंबई, कांडला, मारमागांव, कोलकाता एंड चेन्नई, ये हमारे कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं. Now waterways provide one of the cheapest means of transport. Waterways भी एक हमारा cheapest means of transport है. Boats, like boats जो है इनको use किया जाता है for travelling. आप अगर बनारस वगैरह जाओगे तो वहाँ गंगा घाट होता है, या अलाहाबाद जाओगे तो वहाँ जो गंगा नदी होती है वहाँ अगर आपको रिवर में ट्रैवल करना है तो क्या देते हैं आपको? बोट्स देते हैं ना ट्रैवल करने के लिए, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो वो चीपेस्ट मीन्स हैं. आप उनके हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर लेते हो या फिर आप पूरे वो रिवर को इन्जॉय घूम भी लेते हो, इन्जॉय भी कर लेते हो. नाउ कम टू द एयरवेज. एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयरवेज है जो बाई प्लेन्स वगैरह आप जाते हैं, ये हमारा क्या है, सबसे फास्टेस्ट. ये हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँचाता है, बट ये क्या है, ये जितना फास्टेस्ट है मतलब जितनी जल्दी हम लोगों को पहुँचाता है उतना ही एक्सपेंसिव भी है. ठीक है, ये बहुत कॉस्टली भी है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना या ट्रैवल करना, ये दिस इज़ कॉस्टली ऑल्सो. It is mostly used for long distance travel. All major cities in India are connected by air. इनको हम क्यों, बहुत ही long distance अगर travel करना होता है या फिर मैंने जो बार बार आपको बताया कि अगर emergency में किसी जगह पर जल्दी आपको पहुँचना है, ठीक है, तो या फिर वहाँ पर roads या फिर railways की अगर कोई सुविधा नहीं है उस जगह तक पहुँचने के लिए, तो हम क्या use करते हैं, airways use करते हैं. ठीक है, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू कैरी लाइट गुड्स एंड वैल्यूएबल्स. एरोप्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स से ना कुछ हल्के गुड्स जो बहुत भारी नहीं होते, जिनका बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता है, उन सारे कुछ गुड्स को और जो वैल्यूएबल गुड्स होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में ये एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स हेल्प करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो कैरी मेल्स. मेल्स जितने भी लेटर्स मेल्स होते हैं इनके हेल्प से भी एक जगह से दूसरी जगह इनको
पहुंचाया जाता है. ड्यूरिंग ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉर्स, दे आर यूज टू ड्रॉप फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा फॉर पीपल ऑन द इफेक्टेड एरियाज. ड्रॉट्स सूखे के टाइम में जो है, या फिर फ्लड्स जब बहुत सूखा पड़ जाता है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही होती, या फिर जहाँ बाढ़ आ गई होती, या फिर कहीं पे अर्थक्वेक हो गया होता है, या कहीं वॉर्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को खाना, दवाइयाँ, उनकी बेसिक चीज़ों को पहुँचाने के लिए भी एरोप्लेन्स हेल्प करती हैं. केरला में जब बाढ़ आया था तो आप लोगों ने देखा होगा ना, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ प्लेन्स, क्योंकि चारों तरफ पानी था, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं था, तो एयरवेज के हेल्प से सब लोगों को बचाया जा रहा था और उनको उनकी बेसिक चीज़ें जो थी लाइक फूड्स एंड ऑल उनको दिया जा रहा था. There are two types of airlines. Airlines दो तरह के होते हैं, international and domestic airlines. ठीक है, international airlines क्या होते हैं, वो लोगों को carry करते हैं and goods carry करते हैं एक country से दूसरे country, मतलब national नहीं, international. एक country से दूसरे country तक या तो वो लोगों को carry करते हैं या फिर goods को carry करते हैं, तो उनको हम international airline बोलते हैं. Domestic airlines किसको बोलते हैं, जो within country ही, अपने देश के अंदर ही, एक जगह से, एक city से दूसरी city अगर लोगों को carry करते हैं या फिर goods को related चीज़ें